व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर, इफ यू नेवर फेल्ड यू नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। देखिए लाइफ में अगर आप लोग फेल होते हैं तो इसका मतलब लाइफ में आप लोग कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई बिना फेल हुए किसी पोजिशन पर पहुंच भी गया गलती से, तो वो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कभी भी उस पोजिशन को अपनी जिंदगी में प्रॉपर वे में संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि फेलियर के बाद आप लोग इतनी सारी नई डायमेंशन सीखने को मिलती है, आपके अंदर नया मोटिवेशन आता है जब फिर से आप लोग उठ के चलते हैं और आप लोग एक नई जिद के साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिसके अंदर जिद नहीं होती है वो आदमी वहीं पर ही रुक जाता है और सोचता है कि मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है, और भाग्य के भरोसे बैठकर वो सारी चीजों को साइड में रख देता है, बोलता है लाइफ में कुछ नहीं है, बस यही था और यही मुझे यहां तक ही मिलनी थी चीजें। एक्सेप्ट कर लेता है जो टाइम उसके साथ करता है, पर लेकिन जो टाइम को चेंज करके आगे बढ़ता है वही रियल में हीरो कहलाता है, और वो हीरो हमेशा लाइफ में गिरने के बाद उठकर बनता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लाइफ में किसी ने बहुत ऊंची पोजीशन पा ली हो और वो कभी लाइफ में गिरा ना हो। एक भी ऐसी सिंगल पर्सनैलिटी आप लोगों को वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलेगी। बहुत बार फेल होने के बाद ही पर्सन वहां तक पहुंच पा रहा है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोग किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का नाम उठाकर देखेंगे आज तक की हिस्ट्री को। ओके, तो कोशिश यही करनी है अगर लाइफ में कभी गिर भी जाए तो फिर से उठ के चलने की। ओके, आज देखते हैं नैनो मैगजीन के तहत हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। आज है 11 मई और नैनो मैगजीन हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसके तहत हम PIB ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज और कई सारे करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए, खासकर अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफी फायदेमंद होता है। आइए देखते हैं आज का डिस्कशन। पहले देखेंगे हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। आइए तो आज देखते हैं, पहले थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से स्मार्ट सिटीज का हम लोग रिव्यू करेंगे कि क्या है स्मार्ट सिटीज और क्या इसके बारे में बातें चल रही हैं। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोगों से बोले कि स्मार्ट वर्क क्या है, तो आप लोग ये बोलेंगे कि देखिए कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वर्क करना और इफिशियंटली करना, तो ये कहेगा आप लोग कहेंगे से स्मार्ट वर्क। और अगर लंबे समय तक लगे हुए हैं, पता नहीं है कहाँ चल रहे हैं, बस किताब लेके बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो स्मार्ट वर्क तो क्या, वो एक टाइम पास कहलाएगा। तो जब स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो वहां पर स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं कि बस अच्छी सिटी दिखेंगी आप लोगों, वहां पर अच्छी सिटी के साथ साथ में पानी की फैसिलिटी अच्छी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी होगी, पुलिसिंग वहां पर अच्छी रहेगी, इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी रहेगी, पार्क वगैरह रहेंगे, स्कूलिंग रहेगी, हेल्थ सेंटर रहेंगे, तो सारी बेसिक जो बेसिक चीजें की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी आप लोगों को वहां पर मिलेंगी। उसको बोला गया मोटा मोटा तौर पर एक स्मार्ट सिटी। ओके, तो पहले आगे बढ़ने से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि स्मार्ट सिटीज के बारे में कब ये लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च किया गया तो बोला गया कि आने वाले टाइम में 100 स्मार्ट सिटीज हम लोगों को बनानी है, और ये 100 स्मार्ट सिटीज लगभग कितने आप लोगों को देखने को मिलेगा, पंचवर्षीय इसको योजना बोल सकते हैं, मतलब 5 साल फॉलो करके चलना है। वो वाली पंचवर्षीय योजना नहीं है जो कि प्लानिंग कमीशन स्टार्ट किया करता था, यहां पे मतलब 5 साल की टोटल योजना थी ये, जिसके तहत 2015-16 से 2019-20 तक टोटल 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी। तो ये कब लॉन्च की गई थी, 2015-16 में आप लोग देखते हैं ये लॉन्च की गई थी, और क्या क्या स्मार्ट सिटी के जो यहाँ पर एलिमेंट थे वो क्या क्या हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों से कोई इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्मार्ट सिटीज, तो आप लोगों के पास में एक ओवरव्यू होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी हम किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अच्छी यहाँ पर वाटर की फैसिलिटी रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी रहेगी, सैनिटेशन और जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो अच्छा रहेगा, यहाँ पर इफेक्टिव अर्बन मोबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा देखने को मिलेगा, हाउस जो है यहाँ पर घर वगैरह किसी को लेने खासकर पुअर आदमियों को वो आराम से मिलेंगे, यहाँ पर रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी, डिजिटल फॉर्म में आप लोगों को नेटवर्क सिस्टम देखने को मिलेगा, गवर्नेंस खासकर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कोई भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं तो अच्छे से शानदार तरीके से आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अपने अपने फायदे में सोच रहे हैं, आने वाली जनरेशन के फायदे में भी सोचकर हम लोग इन्वायरमेंट को यूज करेंगे, सेफ्टी और सिक्योरिटी रहेगी सिटीजन की, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, वहां पर एक प्रॉपर वे की स्मार्ट पुलिस देखने को मिलेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है एकदम उसको वहां पर अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। और सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन के बिना हम किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी या किसी भी एरिया को हम स्मार्ट कभी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि स्मार्ट जो स्मार्टनेस निकल के आती है वो एजुकेशन से ही निकल के आएगी, और एजुकेशन के साथ साथ में अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी जाकर हम किसी को प्रॉपर वे में बोल पाएंगे कि हाँ ये स्मार्ट एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आप लोगों के सामने 10 एलिमेंट मैंने रखे हैं, ये मोटा मोटा ऐसे एलिमेंट है कि इनके ऊपर आप लोग एक एसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई आप लोगों से स्मार्ट सिटी के बारे में पूछे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्मार्ट सिटी, और आप उसके ऊपर एसे लिखने को बोले कोई छोटा सा, तो ये 10 पॉइंट है, इनसे आप लोग एक एसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कहीं पर आप लोगों से कुछ पूछा जाए इसके बारे में।
और ये आप लोगों को एक बात और यहां पर नजर आएगी कि ये जो 100 स्मार्ट सिटीज बोली गई हैं, ये एक मैक्सिमम लार्ज पोर्शन हमारी कंट्री का ये कवर कर लेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एक स्टेट से होंगी, अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्मार्ट सिटीज यहां पर निकल कर आएंगी, जिससे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया से कोई ना कोई सिटीज निकल कर आ जाए। तो 29 स्टेट है और आप लोग देख सकते हैं 7 यूनियन टेरिटरी है, तो अगर 36 हम लोग लेकर चल रहे हैं और यहां पर 100 स्मार्ट सिटी है, तो नॉर्मली आप लोग देखते हैं एक एक दो दो तो सबके हिस्से में आ ही जाएगी आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा देखिएगा, पर लेकिन यहां पर एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है कि सबको एक एक दो दो मिली है, किसी को चार चार पांच पांच छह छह भी मिली है, तो अलग अलग तरीके से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आखिर अब न्यूज में किस लिए है ये, तो अब वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई सीईओ ऑफ स्मार्ट सिटीज, जो कि भोपाल में हुई। भोपाल कहां पर है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भोपाल में एक कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें यह देखा गया कि किस तरीके से हम लोग यहां पर जो स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। हम लोगों को अभी देखने को मिला टोटल 10 कॉम्पोनेंट है। अगर इस तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्री के पास में यहां पर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पहुंचने लगे तो बन चुकी स्मार्ट सिटीज, तो कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसा साधन खोजा जाए कि शांति से यहां पर इसमें वर्क किया जा सके। तो सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं, ताकि सारी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यहां पर एक तरीके से शांति से यहां पर कलेक्टिवली एक जगह इकट्ठी की जा सके और जो प्रोग्रेस है वर्क का उसको और शानदार तरीके से बढ़ाया जा सके। तो इसलिए एम किया जा रहा है, जो सिंगल प्लेटफॉर्म रहेगा वहां पर सारी चीजें देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि जो सीईओ हैं अलग अलग सिटीज के, कि क्या क्या एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, हम लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की और क्या क्या एक दूसरे से सीखकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आज की डेट में आप लोग देखते हैं 29 स्टेट है हमारी कंट्री में, अगर 29 स्टेट्स की चीफ मिनिस्टर्स को एक जगह बैठाया जाए और उनसे एक डिस्कशन कराया जाए कि आप लोग अपने एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम निकल कर सामने आएंगी और साथ में ये भी पूछा जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम के आप लोगों ने सोल्यूशन निकाले हैं, तो बहुत सारे सोल्यूशन यहां पर निकल के आएंगे। तो कुछ ऐसे ही आप लोग यहां पर इसको भी देख सकते हैं, अलग अलग स्मार्ट सिटीज के जब सीईओ आके मिले तो क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं और क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। तो ये स्मार्ट सिटीज के तहत ये आप लोगों को देखने को मिला और सबसे बड़ा जो फोकस यहां पर किया जा रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल जो बात की जा रही है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर जो अर्बन एरिया है उसमें ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। ठीक है ना, और 15 जून में ये लॉन्च किया गया था प्रोग्राम और आज की डेट में हम लोग खड़े हैं मई में 2018 में, तो 3 साल लगभग आप लोग देख सकते हैं। तो क्या क्या सीखा एक दूसरे से को ये बताया जाएगा और किस तरीके से आने वाले टाइम में हम लोग स्मार्ट सिटीज डेवलप कर सकते हैं और ज्यादा यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने है कंप्लीट आर्टिकल और ये नीचे नंबर है, इतने ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, नंबर क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर, बस मोटा मोटा आप लोगों को पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बोला गया है नॉर्मली यहाँ पर 3012 प्रोजेक्ट है, वर्थ यहाँ पर आप लोगों के सामने दे रखी है 1,38,984 करोड़। ठीक है, जिसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट, आप लोगों को पता है वेंकैया नायडू जी, मैंने आप लोगों को बताया भी था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन वाली वीडियो, उसमें मैंने आप लोगों को लोकेशन भी दिखाई थी। तो वेंकैया नायडू जी यहाँ पर ग्वेटेमाला की यहाँ पर विजिट पर हैं, तो यहाँ पर एक MOU साइन किया गया है जिसके तहत देखने को मिला आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग आने वाले टाइम में एक दूसरे से कोऑपरेट कर आगे बढ़ सकते हैं, खासकर फॉरन सर्विस और एजुकेशन फील्ड में। ठीक है, तो ये बातें की गई। अभी आप लोगों को पता है कि 3 देश की विजिट पर है यहाँ पर, एक तो हो गया ग्वेटेमाला, दूसरा हो गया यहाँ पर पनामा और तीसरा हो गया यहाँ पर पेरू। मैप में फिर से एक बार निहार लीजिए ताकि आप लोगों के माइंड में थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। सॉरी, ये वाला मैप है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला एरिया हो गया जो हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर कैरेबियन सी हो गया और ये हो गया यहाँ पर पैसिफिक ओशन। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया आप लोगों के सामने पनामा। ओके, और अगर बात करूँ साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका में आप लोग पेरू यहाँ पर देख सकते हैं, इस वाले पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। ओके, इक्वाडोर ऊपर हो गया यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोलंबिया हो गया, ये ब्राजील हो गया, ये हो गया बोलिविया और ये हो गया चाइल। तो यहाँ पर ये वाली कंट्री इसको पेरू को टच कर रही है। तो इन 3 एरिया की विजिट पर है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी। ठीक है, तो हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में, एरिया के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो अभी फोकस किया गया यहाँ पर ग्वेटेमाला में, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला दोनों ने यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं एक दूसरे से कोऑपरेशन, खासकर फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूशन इन एजुकेशन फील्ड, तो इस पर फोकस यहाँ पर दिया गया हमारी साइड से वाइस प्रेसिडेंट और उनकी साइड से उनके जो काउंटर पार्ट है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये है जफेथ काबेरेरा। ठीक है, तो फ्रैंको, तो इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हाँ काउंटर पार्ट बोलकर भी आप लोग काम चला सकते हैं। इसके अलावा देखने को मिला यहाँ पर कि देखिए हर बार बात होती है कि यूएन के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर बनने की बात होती है, तो यहाँ पर सपोर्ट किया जाने की बात की गई है कि नॉन परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और खासकर बात की जा रही है इंडिया की, तो इंडिया को यहाँ पर मेंबरशिप मिलने की बात की जा रही है 2021-22 में और यहाँ पर जो ग्वेटेमाला है उसको 31-32 में, तो ये बात की जा रही है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे यहाँ पर मेंबर बनाने के लिए नॉन परमानेंट। ओके, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर आप लोगों को पता ही है, कई बार न्यूज में रहते हैं, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए।
तो ये है इनके नाम, आप लोग देख सकते हैं यहां पर हो गया फ्रांस, यूके, यूएसए, रसिया और चाइना। तो पांच परमानेंट मेंबर है जिनके पास में वीटो पावर है। इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, पर लेकिन ये पांच परमानेंट मेंबर आप लोगों को यहां पर फिक्स नजर आएंगे। तो एक दूसरे की मेंबरशिप नॉन परमानेंट मेंबर के लिए यहां पर सपोर्ट की गई है दोनों ही कंट्री के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली बहुत सारी मूवीज में आप लोगों ने कुछ ऐसा दृश्य देखा होगा, ठीक है। अब ये इस तरीके का दृश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी भी कंट्री में, जहां पर एक प्रॉपर वे का सिस्टम तैयार किया जा रहा है किस तरीके से हम लोग अपनी ही कंट्री में एक डेवलप सिस्टम कर सकते हैं। खासकर जब बात आती है यहां पर सारा सिस्टम कंट्रोल करने की, अगर बात आती है यहां पर एक डेटा मैनेज करने की और किस तरीके से हम लोग सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं, उन सारी चीजों को यहां पर किया गया। और इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर ये देखने को मिलेगा आप लोगों को, ICCC, ICICCC आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, ये मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड कॉमन कंट्रोल कमांड सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए, जब स्मार्ट सिटी का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तो इस स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट आप लोग देख सकते हैं, जब तक डेटा की सिक्योरिटी और डेटा की प्राइवेसी यहां पर निकल के नहीं आएगी और यहां पर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो सारी सर्विसेज प्रॉपर वे में यहां पर इंप्लीमेंट नहीं की जाएगी, तो स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं धुंधला पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए आने वाले टाइम में स्मार्ट सिटीज को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए कॉमन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर देखने को मिलेगा, डिजास्टर रिकवरी सेंटर। कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है किस तरीके से रिकवरी करनी है। देखिए, दो बातें होती हैं, अगर कहीं पर सुनामी, बाढ़, किसी भी तरीके से आप लोगों को देखने को मिले, अर्थक्वेक, भूकंप टाइप सिचुएशन बन जाए, तो एक तो होता है पहले तैयारी करना उसके आने से पहले, और एक होता है आने के बाद। तो आने के बाद और ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, आने से पहले अगर तैयारी कर ले तो ज्यादा बेटर रहता है। तो वो सारी बातें, डिजास्टर से किस तरीके से रिकवरी करनी है और प्री डिजास्टर अगर कोई तैयारी करनी है तो किस तरीके से फोकस देकर चलना है, जब हमारे पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहेगी तब हम उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फोकस किया जा रहा है और किसके द्वारा यहाँ पर हेल्प की जा रही है, ये है HP, जिसको बोलते हैं हेलवेट पैकवर्ड, ठीक है। तो नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज किया जाएगा प्रॉपर वे में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। और ये इनेबल करेगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर करने के लिए, जो भी यहाँ पर अलग अलग सिटीज में, अलग अलग एरिया में जो भी यहाँ पर इन्होंने स्कीम्स वगैरह या जो भी प्रोग्राम चला रखे हैं उसको भी यहाँ पर हेल्प कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और खासकर 7 सिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि मध्य प्रदेश से है, जिनको स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जाती है, ठीक है। कौन कौन सी है, भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना और सागर, ये टोटल 7 सिटी आप लोगों के सामने है जहां कोई स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है। तो यहां पर भी प्रॉपर इमेज को इंप्लीमेंट किया जाएगा और देखा जाएगा किस तरीके से यहां पर कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम या फिर किस तरीके से सिटीजन सर्विस को मैनेज किया जा सकता है सिंगल प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो ये यहां पर काम करने वाला है प्रॉपर सिस्टम, और इंडिया में फर्स्ट इस टाइप का सिस्टम है। आगे आने वाले टाइम में अलग अलग स्टेट्स में और देखने को मिलेगा, तो थोड़ा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर हमारे जो ट्राइबल वाले एरिया होते हैं, आदिवासी वाले एरिया होते हैं, उनके बारे में। तो वन धन विकास केंद्र इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में वन धन विकास केंद्र खोलने की बात की जा रही है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग एरिया में, अलग अलग ट्राइबल एरिया हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, और जब भी इसको टैकल करने की या इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम की बात आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर पिक्चर में आती है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने की बात होती है तो ये मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक्सपेंड करने के लिए वन धन विकास केंद्र इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। एम क्या रहेगा, सीधा सीधा एम ये रहेगा कि किस तरीके से यहां पर नॉन टिम्बर माइनर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं, जो भी यहां पर प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, खासकर जो आदिवासी के आप लोग बोल सकते हैं लाइवलीहुड का काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी आप लोग बोल सकते हैं ये होते हैं, जिनको गैदर्ड कर ये बेचते भी हैं, काम भी उससे अपना चलाते हैं, वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो उसको प्रमोट किया जाएगा डिपार्टमेंट के तहत, किस तरीके से उसको मार्केट में लाया जा सकता है उस पर फोकस किया जाएगा, इंप्लीमेंट की जाएगी थ्रू ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के थ्रू, ये देखने को मिलेगा। और इसके साथ में यहां पर TRIFED, ये एक नोडल एजेंसी है जो यहां पर वर्क करने वाली है। ये एक क्या काम करेगी कि किस तरीके से, एक देखिए अगर आप लोग कहीं पर देखेंगे, अगर कोई डैम बनाया जाता है तो वो डैम ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ओनली, वो डैम वहां पर मछली पालन के लिए भी यूज किया जाता है, सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, वाटर पानी पीने के लिए यूज किया जाता है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से यहां पर ये फैसिलिटेट करेगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसके तहत यहां पर ट्राइबल एरिया में वन धन विकास केंद्र स्टेब्लिश किए जाएंगे। तो मल्टीपर्पज के लिए स्टेब्लिश किए जाएंगे, ना कि सिंगल पर्पज के लिए। और केंद्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 तो लगभग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप यहां पर रहेंगे, और लगभग 30 ट्राइबल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस रहेंगे, उनको यहां पर काउंटर किया जाएगा। तो इनको सबको मिलाकर एक जगह कम से कम एक केंद्र बनाया जाएगा, और ऐसे ऐसे 3000 केंद्र प्रपोज किए गए हैं ऑल ओवर जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है अपनी अपनी कंट्री में, ठीक है। तो हमारी कंट्री में लगभग 3000
3000 बोलने की बात की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 39 डिस्ट्रिक्ट अभी सेलेक्ट किए गए हैं जिसमें 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन हमारी रहती है। मतलब कहने का यह है कि जोन से 39 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, पहले वहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, और इसके बाद में जहां पर 50% से कम है फिर उन वाले एरिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग एरिया से फेज मैनर वे में आप लोग बोल सकते हैं इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि सारे ट्राइबल एरिया को प्रॉपर वे में यहां पर टैकल किया जा सके और बोल सकते हैं कवर किया जा सके, फिर आने वाले टाइम में पूरी कंट्री में इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, और मिनिस्ट्री जरूर याद रखिएगा, यहां पर इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो फोकस यही रहना है यहाँ पर, नॉन टिम्बर माइनर फॉरेस्ट किस तरीके से इनको बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि ये अपनी रोजी रोटी कमा सके और अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर लाइफ बना सके। तो ये हेल्प करेंगे यहाँ पर विकास, ये वन विकास, ये सॉरी वन धन विकास केंद्र, ठीक है, नाम याद रखिएगा VDVK। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल आप लोग अगर किसी गांव वाले एरिया से बिलोंग करते हैं तो इस आर्टिकल को थोड़ा अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो भी यहां पर गायें या भैंस होती हैं, कई बार जब वहां पर जब वो बच्चा पैदा नहीं करती है तो उनके अंदर डॉक्टर की हेल्प से इस तरीके की प्रक्रिया कराई जाती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए और आगे चलकर बच्चा पैदा करे। ठीक है, तो इसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल है। आर्टिकल में क्या बातें की गई है पहले थोड़ा देखते हैं, उसके बाद में फिर से इस पिक्चर को आप लोगों को दिखाऊंगा, प्रॉपर वे में समझाया जाएगा। अभी यहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा किसके द्वारा, ये है सेंट्रल सीप एंड द वुल रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो कि राजस्थान में है। इन्होंने नई एक रिसर्च करी है जिसके तहत यहां पर इन्होंने एक नया एक तरीका निकाला है जिसको आप लोग देखेंगे कि इनसेमिनेशन टेक्निक निकालिए। इनसेमिनेशन नॉर्मली बुवाई बोलते हैं, बोना किसी खेत में आप लोग कोई बीज डाल के उसको बोना बोलेंगे। अगर मान लीजिए कोई आप लोगों को कोई खेती में कोई मतलब खेत में कोई आप लोगों को प्रोडक्ट उगाना है तो वहां पर आप लोग नॉर्मली बीज बोते हैं जाकर, जिस तरीके गेहूं के बीज डालते हैं और फिर नए आप लोगों को पेड़ पौधे वहां पर उगते हुए दिखेंगे। इसी तरीके से यहां पर एनिमल के अंदर भी बीज डाले जाते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए और आने वाले टाइम में उनकी जनरेशन आगे बढ़ सके। तो इसी के तहत यहां पर नई टेक्निक निकाली गई है ताकि यहां पर आने वाले टाइम में एक प्रॉपर वे में और फोकस किया जा रहा है सीप के ऊपर, ये याद रखिएगा। तो जो ये टेक्निक रहेगी इनसेमिनेशन, इसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर फ्रोजन सीमेन, ठीक है ना, ये डाले जाएंगे कहाँ पर, डिपॉजिट किए जाएंगे यूटेरस में। तो जो सीप है उसके यूटेरस में पहुंचाया जाएगा ताकि आसानी से वो प्रोडक्ट हो, आसानी से वो यहाँ पर प्रेग्नेंट हो सके और आने वाले टाइम में अच्छी प्रोडक्टिविटी का आप लोगों को यहाँ पर बच्चे देखने को मिले, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का भी काम किया जाएगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये नली यहाँ पर डाली जा रही है और यहाँ पर अंदर इस तरीके से यहाँ पर इंजेक्ट किया जा रहा है ये, ठीक है, ताकि यहाँ पर इनकी प्रेगनेंसी को आराम से बढ़ाया जा सके। क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, नॉर्मली कई सारे जानवर यहाँ पर प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो फिर यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एक कृत्रिम तरीका यहाँ पर यूज किया जाता है प्रेग्नेंट करने के लिए, और एक अच्छी नस्ल बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है ताकि आने वाले टाइम में एक अच्छी नस्ल का जानवर निकल कर आए ताकि उससे एक अच्छी जनरेशन यहाँ पर चले जो अच्छा खासा दूध दे और ज्यादा ताकतवर भी आप लोगों को देखने को मिले। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है यहाँ पर ये सीप के ऊपर। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पर, ये हो जाता है CSWRI जिसको बोला जा रहा है सेंट्रल सीप एंड द वुल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये कहां पर है राजस्थान में, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन सकता है, ठीक है, और ये किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, सीप के ऊपर, ये भी बातें याद रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया और नेपाल के बारे में। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल नेपाल की विजिट पर जाने वाले हैं, अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री की विजिट पर थे तो यहां पर एक रिटर्न विजिट इसको बोल सकते हैं। तो कई सारे प्रोजेक्ट पर फोकस किया जाएगा पर हमारा फोकस यहां पर रहने वाला है, ये आप लोग देखते हैं अरुण, ठीक है ना, ये वाली रिवर यहां पर जा रही है तो इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहने वाला है। बाकी दुनिया भर की रिवर है हम लोग कोई फोकस नहीं देंगे, जो न्यूज में है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग उस पर फोकस देंगे। तो पहले मैंने आप लोगों को लोकेशन दिखाई, अब देखते हैं बात क्या की जा रही है यहां पर। बात की जा रही है अभी नेपाल ने ग्रांट कर दिया है यहां पर लाइसेंस इंडिया सतलज जल विद्युत नगर, ये है निगम लिमिटेड, तो इससे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, ये आज तक का नेपाल की हिस्ट्री में आप लोग देखने को मिलेगा काफी बड़ा प्रोजेक्ट या लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला ये प्रोजेक्ट है, जो कि अरुण 3 प्रोजेक्ट बोला जा रहा है जिसको यहां पर, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है नेपाल का और इंडिया यहां पर हेल्प कर रहा है यहां पर इसको बनाने के लिए। तो काफी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है यहां पर, अब तक देख सकते हैं अप्रूव कर चुके हैं हम लोग 57.24 बिलियन इसके लिए, जो कि ये आप लोग देखते हैं SGVN जिसको बोला जा रहा है सतलज जल विद्युत निगम, ठीक है, तो इन अरुणा 3 फेज। तो यहां पर ये देखने को मिलेगा अरुणा जो है ये रिवर का नाम है अरुण, ठीक है, अरुण है रिवर का नाम जिसके तहत यहां पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और 900 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है आप लोगों के सामने ईस्टर्न नेपाल में, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल है उसके द्वारा यहां पर एक डायरेक्शन दी गई है इसको, मतलब ग्रांट दिया गया है लाइसेंस जो कि चेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर KP सिंह ओली के द्वारा, ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हैं। इसके तहत देखिए नेपाल को भी काफी फायदा होने वाला है। नेपाल में ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो काफी जो लोकल एरिया में है और खासकर जो ऐसे एरिया है जो काफी अफेक्टेड एरिया है वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर नेपाल रिसीव करेगा बेनिफिट लगभग 348 बिलियन नेपालीज रुपए की बात की जा रही है, जो आप लोगों को इंडिया के कंपेयर में काफी डाउन देखने को मिलेगी ये यहाँ पर। और रॉयल्टी कस्टम यहाँ पर टैक्स और टैरिफ भी देखने को मिलेंगे जिसके तहत कंसेशन दिया जाएगा यहाँ पर 25 ईयर का, ठीक है। और लगभग 21.9% या फिर 197 मेगावाट इसमें से देखने को मिलेगा जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यहाँ पर नेपाल को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो काफी शानदार प्रोजेक्ट बोल सकते हैं दोनों ही इंडिया और नेपाल के लिए, जिससे कि दोनों ही कंट्री को काफी फायदा होने वाला है। तो इस पे काम किया जाएगा आने वाले टाइम में। रिवर जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, तो ये है अरुण रिवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है यहाँ पर नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो ये न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये क्या है, 2018 की बाई एनुअल नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस है जो कि न्यू दिल्ली में हो रही है। इसके तहत फोकस किया जाएगा किस तरीके से हम कंट्री की सिक्योरिटी को और किस तरीके से अगर कोई भी और ज्यादा लार्ज स्केल पर हम लोगों को कहीं पे अपनी जो फोर्सेज है उसको डिप्लॉय करना है और किस तरीके से इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिकली हम लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं, खासकर जिस तरीके से चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है तो किस तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा फोकस इसके तहत दिया जाएगा। सीधी सीधी बात यह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन है जिसके तहत सागर एक आप लोग देख सकते हैं, सागर एक उनका विजन है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मतलब जो भी यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन में है सबकी सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए बात की जाती है। तो किस तरीके से सस्टेन वे में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सबको साथ लेकर, तो इस पर फोकस दिया जाता है। और क्रिटिकल पोजिशन जो भी इंडियन ओशन में है वहां पर आप लोगों को ये इंडियन शिप नजर आएंगे ताकि वहां पर प्रॉपर वे की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके। तो इस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है, पर लेकिन सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, ये है हमारा प्यारा इंडियन ओशन जो कि हमारी प्यारी कंट्री के नाम पर है। और वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ओशन नहीं है जो किसी कंट्री के नाम पर हो, तो ये आप लोग बोल सकते हैं कि ये एक हमारे लिए काफी शानदार बात है कि हमारी कंट्री के नाम पर इस कंट्री का इस ओशन का नाम इंडियन ओशन पड़ा हुआ है। तो किस तरीके से हम लोग पूरे ओशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करा जा सकते हैं ताकि सबको यहाँ पर फायदा इसका हो आने वाले टाइम में, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। वैसे तो रविंद्रनाथ ठाकुर बोला जाता था, पर लेकिन अंग्रेजों का प्रोनंसिएशन थोड़ा खराब था तो वो ठाकुर नहीं बोल सकते थे, इसलिए आगे चलकर टैगोर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में आप लोगों को होना चाहिए। एशिया के फर्स्ट नोबेल लॉरेट थे, मतलब एशिया में फर्स्ट ये पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और किसी को इनसे पहले एशिया में, पूरी एशिया की बात की जा रही है ना कि इंडिया की, याद रखिएगा इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और कई बार आप लोगों से लोकल नाम भी जाने जा सकते हैं, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर रविंद्रनाथ जयंती जो कि May 9, 2018 में आप लोग देखते हैं May 9 में यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। तो यहाँ पर जो ये डेट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द बंगाल कैलेंडर इसको पोंची ये बोसाक भी बोला जाता है, ये आप लोग देखते हैं ये बंगाली नाम है जिसके तहत यहाँ पर इसको ये वाला एरिया भी बोला जाता है। रविंद्रनाथ जयंती के दिन को इस नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। और ये दोनों ही एरिया में देखने को मिलेगा, सेलिब्रेट की जाती है प्रॉपर वे में, इंडिया में तो की जाती है और इसके अलावा वेस्ट बंगाल और खासकर बांग्लादेश में बहुत शानदार तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इन्होंने बहुत सारी अपनी पोयम लिखी, बहुत सारे आप लोग देखते हैं इनकी राइटिंग्स थी जिसके तहत इनको आगे चलकर नोबेल प्राइज भी मिला। और खासकर बोला जाता है कि 2230 सॉन्ग्स इनके द्वारा लिखे गए हैं जिनको रविंद्र संगीत भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दो कंट्री है जिनका नेशनल एंथम इनके द्वारा बनाया गया है या फिर कंपोज किया गया है, तो वो है इंडिया और बांग्लादेश। इसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा, फोकस पूरा ये रहता था कि किस तरीके से इंडियन कल्चर को हम लोग वेस्टर्न साइड में बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को देखने को मिला आगे चल के कि जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया इनकी गीतांजलि को, जो इनकी पोयम थी गीतांजलि को, उसी को चल के आगे 1913 में नोबेल प्राइज मिला और जो कि एशिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज था। आगे चल के ट्रांसलेट किया गया, सो इंग्लिश, डच, जर्मन, स्पेनिश, अलग अलग लैंग्वेज में, यूरोपियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया, यानी कि बहुत फेमस हुई आगे चल के ये, ओके। तो ये कुछ बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा बात यहाँ इंपॉर्टेंट ये, नेशनल एंथम इंडिया का जनगणमन, बांग्लादेश का अमार सुनार बंगला और श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो भी इन्हीं के द्वारा इंस्पायर्ड है। दो का तो कंप्लीट बना गया है इनसे और तीसरे का इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो हल्का सा आप लोग इनके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। नोबेल प्राइज के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, 7 मई 1861 में आप लोगों को देखने को मिलेगा इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, जो कि ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे, मतलब हम लोग ब्रिटेन के कंट्रोल में थे। और फिर 7 अगस्त, डेट 7 ही है ये याद रखेगा यहाँ पर, ठीक है, 1941 को कलकत्ता ब्रिटेन में इनकी डेथ हुई थी। और बहुत सारे राइटर, बहुत सारे सॉन्ग लिखे हैं इन्होंने इंग्लिश में भी, और इनकी नेशनलिटी ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर मानी जाती है, ओके। नेक्स्ट आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन जाकर रिवाइज आप लोग कर सकते हैं, 133 लेक्चर नंबर यहां पर है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी के बारे में जिक्र किया गया है, यहां पर भी लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप लोग जाकर लेक्चर को देख सकते हैं। आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया।
तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में स्मार्ट सिटीज के बारे में जाना, किस तरीके से यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई भोपाल में, मध्य प्रदेश में, वो भी हम लोगों ने जाना, डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप लोगों से कोई ऐसे भी पूछे, अब आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों ने देखा इंडिया और यहाँ पर तीन कंट्री, ग्वेटमाला, पनामा और पेरू के बारे में हम लोगों ने जाना, डिटेल में मैप भी देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा किस तरीके से इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड द कमांड सेंटर इन मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, जो कि इंडिया का फर्स्ट इस तरीके का सेंटर होगा। आगे हम लोगों ने जाना वन धन विकास केंद्र के बारे में, ओके, डिटेल में डिस्कस किया। मिनिस्ट्री जरूर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा हम लोगों ने जाना किस तरीके से यहाँ पर सेंट्रल सीप एंड द वुड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि जिस तरह की इनसेमिनेशन किया जाता है सीप के अंदर, ताकि आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा प्रोडक्टिव उनको बनाया जा सके, प्रॉपर डिटेल में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में, और खासकर सतलज जल विद्युत निगम जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में जाना, जो कि यहाँ पर अरुण रिवर पर है, ठीक है, डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ये आप लोगों के सामने यहाँ पर लोकेशन भी है अरुण रिवर की। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिली, और खासकर जो कि सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ फॉर द ऑल इन रीजन सागर, ये विजन है नरेंद्र मोदी जी का, जिसके तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो सागर भी आप लोगों से डायरेक्ट कोई पूछे तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा तो कम से कम आइडिया होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये देखा रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसके अलावा आप लोगों का यहाँ था रिवीजन, ये आप लोगों को रिवाइज करना है अच्छे से प्रॉपर वे में, ताकि आप लोग अच्छे से आगे बढ़ सकें। इसके अलावा मिलता हूँ शाम को 5 बजे, फिर आप लोगों जो करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा आप लोगों का रिवीजन भी वहाँ पर हो जाता है। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, चीज़ों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि सबको फायदा हो जाए, ओके। पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।